नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों के और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और नवनिर्मित खेड़ी पुल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में खेड़ी पुल काफी लंबे वक्त से जर्जर हालत में था, जिसे 21 करोड़ की लागत से बनाकर 6 लेन में तैयार किया गया है, जिसे फरीदाबाद की जनता को सहूलियत होगी। वे सभी अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंचेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए विधायक ने कड़ी मेहनत करते हुए अमाउंट पास कराया था और सभी के सहयोग से नवनिर्मित खेड़ी पुल का उद्घाटन किया गया है। फरीदाबाद के जो हमारे लोकप्रिय विधायक है नरेंद्र गुप्ता जी, उनके क्षेत्र में ये खेड़ी पुल बहुत दिन से जर्जर हालत में था, घंटों घंटों का जाम लगता था। 21 करोड़ की लागत से इसको 6 लेन बनाया गया है, जो बनकर तैयार हो गया। आज विधिवत उसका उद्घाटन हुआ है और एक नहीं, पल्ला से लेकर चनावली तक दर्जनों पुल इस तरह 4 लेन के बनाए गए हैं। जहाँ पहले अंग्रेजों के बनाए हुए पुल थे, कभी नया पुल बनाने की सोची नहीं गई। और यही नहीं, इस फरीदाबाद के जो भारत कॉलोनी से लेकर जो खेड़ी रोड जाता है, जसाना रोड और नचौली रोड है, इसको भी खेड़ी मोड़ तक 4 लेन बनाने के लिए 7 करोड़ का बजट हमारे विधायक जी ने मंजूर कराया है। उसका काम भी आज शुरू किया है और उससे आगे मंझावली पुल तक 7 मीटर था, उसको 10 मीटर करा दिया गया है ये काम। और पल्ला से लेके खेड़ी पुल तक बीच में 4 कलवर्ट थी, 4 लेन के रोड पे बीच बीच में जो पुलिया थी वो 6-6 फुट टूट कर रह गई थी, उनके लिए भी 17 करोड़ का पैसा मंजूर करा दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए करते हैं अगली खबर की और। फरीदाबाद में जिला प्रशासन स्तर पर वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा त्रिखा और मेयर सुमन बाला उपस्थित रही। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि की तस्वीर के सामने दीप जलाकर उन्हें याद किया गया। वहीं देश में मोदी के स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने के लिए सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भगवान वाल्मीकि ने हमें सिखाया है कि बुराई के मार्ग को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर कैसे आया जा सकता है। फरीदाबाद के हुड्डा कन्वेंशन हॉल में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस मौके पर खास तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी के तमाम विधायक गणों के अलावा फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला भी उपस्थित रही और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री समेत सभी विधायक गणों ने वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं देश में पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने वाले सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि भगवान वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सबको वाल्मीकि के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह एक डाकू से वो बुराई का मार्ग छोड़कर महर्षि ऋषि बने। विधानसभा के बाहर उठाने का काम किया है, जैसे हमने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत की उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता के समक्ष विपक्ष जा रहा है और उनसे पूछ रहा है कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्या बीजेपी जेजेपी ने जो वायदे मैनिफेस्टो में किए थे, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बनाया था, क्या आपने पूरा किया कि नहीं किया। और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी आवाज़ बनकर हम लोग विधानसभा में इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। देखिए, किससे बीजेपी का, जेजेपी का और अभय चौटाला का किससे मुकाबला पता नहीं, कांग्रेस उसमें आगे ही है। क्योंकि आज के समय में बड़ा अजीब सी स्थिति है, दुष्यंत चौटाला उसी क्षेत्र से आते हैं, रंजीत चौटाला उसी क्षेत्र से आते हैं और नैना चौटाला जी उसी क्षेत्र से आती हैं और उन्होंने सरेंडर कर दी जजपा ने ये सीट बीजेपी के आगे। बीजेपी का तो वहाँ पहले भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, क्षेत्र तो इनका जेजेपी का था, वहाँ से इन्होंने सरेंडर पहले ही कर दिया। तो मैं समझती हूँ बीजेपी और जेजेपी तो पूरी तरह से हार वहाँ मान चुकी है। बिल्कुल आपकी सही बात है, कांग्रेस का और अभय चौटाला का, और अभय चौटाला क्योंकि पहले भी सरेंडर कर चुके हैं, तो मैं समझती हूँ कांग्रेस वहाँ पर अच्छे बहुमत के साथ हम लोग हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। अगली खबर की और। फरीदाबाद में भी अब चंडीगढ़ की तरह लेन ड्राइव में वाहन चलाने होंगे। ऐसा ना करने पर फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस वाहन चालान का भारी भरकम चालान काटेगी। जो चालक होंगे उनके काफी भारी भरकम चालान काटे जाएंगे, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसके तहत वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। सड़क पर चलते समय नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और लेन ड्राइव में वाहन न चलाने पर फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस भी चंडीगढ़ पुलिस की तरह कार्यवाही करने में लग गई है। इसके अलावा पूरे फरीदाबाद में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जो लोग वाहन चलाते समय नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके सीसीटीवी के माध्यम से चालान किए जाएंगे और जल्द ही ये सभी कैमरे सुचारू रूप से हो जाएंगे।
ट्रैफिक SHO राजीव कुंडू ने बताया कि अब वाहन चालकों को लेन ड्राइव के हिसाब से चलना होगा, ऐसा न करने पर उनके चालान काटे जाएंगे। यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा। बड़े वाहनों को बाएं हाथ पर और कार चालकों को बीच में और ओवरटेक करने वाले वाहनों को दाहिने हाथ पर चलना होगा। जो लोग नियमों की धज्जी उड़ाएंगे उनके चालान होंगे। ये लेन ड्राइविंग के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है 25 तारीख तक। किस तरीके से होगी लेन ड्राइविंग? लेन ड्राइविंग हैवी व्हीकल जो लेफ्ट साइड वाली लेन है अपने लेन में चलेंगे, जो फोर व्हीलर है कार जीप वो बीच वाली लेन में चलेंगे। ओवरटेक करने के लिए राइट साइड वाली लेन यूज करेंगे। कल हमने लेन ड्राइविंग के 10 चालान किए हैं। हाँ आज भी किए हैं, लेकिन अभी पूरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, बस शाम तक बता दूंगा। और इसके अलावा बात करें लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ, उनके चालान किए जा रहे हैं, CCTV कैमरे से भी चालान कर रहे हैं और वैसे भी चालान कर रहे हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब किसानों की। पिछले काफी दिनों से परेशान किसानों को DSP खाद मिलना शुरू हो गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की माने तो केवल एक गाड़ी DSP की उनके पास पहुंची है, जिसको वो किसानों में बांट रहे हैं। खाद लेने के लिए भी किसान घंटों लाइन में लगे हुए नजर आए। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी स्थित सरकारी खाद की दुकान पर लगातार किसानों की लाइन लंबी होती जा रही है और किसान अपनी फसल के लिए खाद खरीदने के लिए पहुंच रहे, लेकिन जिस तरीके से केवल एक गाड़ी खाद की बल्लभगढ़ के अनाज मंडी की सरकारी दुकान पर पहुंची, वो किसानों के लिए नाकाफी रहेगी। किसानों की लंबी लाइन को देखते हुए किसान परेशान दिख रहे थे और किसानों का कहना है कि कई घंटे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया। कम से कम 1-1.5 घंटे से खड़े हुए हैं। एक एक आदमी 5-5, 6-6 आधार कार्ड लेके जा रहा है, नंबर नहीं आ रहा है। मतलब क्या लगता है आपको, सही तरीके से नहीं बांट रहे? नहीं हो रहा है और ना हमें मिलेगा। अब आधा घंटे में ये बंद हो जाएगा या ये बोल दिया जाएगा कि खाद खत्म हो गया है। आप कितनी देर से लग रहे हैं लाइन? कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया है खड़े खड़े। और यहाँ से कम से कम 4-5 फुट ही बढ़ाऊँ मैं 1.5 घंटे। खाद मिल रही है? अब खाद मिल रही है? हाँ मिल रहा जी। कितने दिन बाद मिली है आज खाद? एक महीने बाद। कितनी देर होगी लाइन में लगे? 2 घंटा होगा जी। 2 घंटे से लग रहे हैं, काफी देर में नंबर आ रहा है। अभी तो खाद लगातार बढ़ रहा है? आज ही बढ़ना चालू है, आज 10 दिन के बाद। अच्छा, तो कितने जो लोग हैं वो कह रहे हैं कई कई घंटे से खड़े हैं, क्या ऐसा ही रैक लेट लगी है तो उसकी वजह से लेट खाद आया ना, थोड़ा 12 बजे से बाद खाद आना चालू हो गया। अब सही तरीके से बढ़ता रहेगा अभी भी है? ये तो जी माल आने के ऊपर पता चले जी, एक गाड़ी आई है सुबह से। चलिए खबरों में बात करेंगे अब धार्मिक नगरी सोहना की। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी सोहना अब पूरी तरह से बदमाशों की नगरी बनती जा रही है। ताजा मामला सोहना की अनाज मंडी में स्थित अरोड़ा लैब पर देखने को मिला, जहां पर दिन दहाड़े दो युवक हथियार के बल पर लैब संचालक की नगदी व मोबाइल लूट कर फरार हो गए। दोनों ही बदमाशों ने अपने मुंह को कपड़े से ढका हुआ था। मामले की भनक पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी आसपास ग्रामीण क्षेत्र के हैं और दिन दहाड़े हुई इस लूटने वाली घटना में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के जो सवाल उन पर सवाल या निशान लगे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पोल खोल कर रखती है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लैब संचालक ने बताया है कि दोपहर के वक्त दो युवक मुंह पर कपड़ा बांध कर लैब में दाखिल हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना है। इसी दौरान उसमें से एक युवक ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसकी कनपट्टी पर लगा दी, जिसके बाद दूसरे युवक ने रिवॉल्वर निकालकर उसके गले में पड़े सभी रुपयों को अपने कब्जे में ले लिया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि चंद दूरी पर ही पुलिस की नाकाबंदी होती है, जहाँ पर ये सारा का सारा मामला घटित हुआ है। एक बजे के 1:40 के आसपास दो लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं हमारे, तो 2 दिन के बाद होगा। फिर उन्होंने मेरे झंडे से मेरा मोबाइल छीना, एक बंदे ने यहाँ कोने में आके पिस्टल दिखाई मेरे को, बोलता कि गल्ला में से जो भी पैसे वो निकाल। मैं डर के मैंने उसको पैसे दिए। फिर दूसरा बंदा वहाँ सामने गया, मेरे स्टाफ को रोका है उसने गन दिखा के, जब पैसे ले लिए हैं तब भगे हुए यहाँ से। तो कोई मोटरसाइकिल पर आया तो पैदल ही थे? मैंने जहाँ तक देखा उनको भगते हुए पैदल ही भाग गया। तो इनकी कोई भाषा किस तरह, कोई भाषा किस पता चले किस तरह की भाषा थी, लोकल थे या लोकल जैसी भाषा थी जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसी? तो करीब कितना पैसे ले गए यहाँ से? 15-16 हजार रुपए था।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महर्षि वाल्मीकि आदिकवि जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की, हमें उनकी दी गई प्रेरणा और संदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने एलानाबाद हलके की जनता का अपमान किया, जिस जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा में भेजा ताकि वो हलके और आमजन की आवाज उठा सके, उन्होंने विधानसभा में बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया। अभय सिंह चौटाला ने जब अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा था कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी ना तो तीनों कानून वापस हुए और ना ही सरकार की किसानों के साथ कोई वार्ता हुई। उनका चुनाव लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं बता। अगले 6 महीने में फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस पर फिर क्या अभय सिंह चौटाला विधानसभा के में विधायक पद से इस्तीफा देना है। आदिकवि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की, आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जिस प्रकार भगवान वाल्मीकि जी ने अपना संदेश दिया, जो शिक्षा दी, रामायण की रचना की, हमें जो है उसी हिसाब से अपने सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों को जो है वो शामिल करना चाहिए और भगवान वाल्मीकि जी की रचनाओं के साथ साथ उनके दिखाए हुए मार्ग पर पूरी तरह से चलने का प्रयास भी करना चाहिए। और पूरे समाज ने, पूरे देश में और प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव जो है मनाया जा रहा है। एक बार फिर खाद बीज की कमी आ रही है और किसान जो है इधर उधर भटक रहे हैं, लंबी लाइनें लग रही है। देखो, खाद की कमी है, बीज की कमी है, किसानों की फसलें जो है वो मंडियों में नहीं बिक रही हैं, यही एक मुद्दा बहुत बड़ा है जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमने देखा पहले जो DAP खाद जो हमारी है, थानों में उसकी काम धंधा लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर पुलिस वालों ने उसको खाद को बांटने का काम किया। आज भी कई जगह से ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि महिलाएं लंबे समय तक जो है लाइनों में खड़ी रही, फिर भी उसके बाद खाद और बीज नहीं मिला है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, किसानों के साथ इतना भद्दा मजाक ना करें। उनकी जो बाजरे की फसल है, उनकी धान की फसल है, उसको सही समय पर खरीदने का काम करें। जो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने एलानाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की है। उन्होंने क्षेत्र के कई गांव में जनसभाएं की और गोविंद कांडा के लिए वोट मांगे हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने लोगों के से सीधा संवाद किया और कहा कि इस समय जनता को सीधे राज में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 साल में एलानाबाद का चौतरफा विकास होगा, इसलिए लोगों को अवसर से चूकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इनेलो का भविष्य नहीं है, गुटबाजी ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। चाहे हुड्डा हो या शैलजा, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों का आपार स्नेह उन्हें मिला तो इसी की बदौलत वे एलानाबाद की जनता की सेवा करेंगे और उन इलाके की जीत दर्ज करेंगे। लोगों का बहुत बढ़िया मूड है, लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी, इसी पार्टी को वोट देना चाहिए और क्योंकि गोविंद कांडा भी उम्मीदवार है तो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आपके भतीजे खुद चुनावी मैदान में हैं, इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भतीजे भाई आपस में हमारे रिश्ते वो हैं, वो रिश्ते हैं, वो तो वो रहेंगे। अब आमने सामने मैं तो ये तो भतीजा ओम प्रकाश जी के भी सामने चुनाव लड़ा था, बड़े भाई हैं, इज्जत करता हूँ, आदरणीय है, मेरे लिए बहुत आदरणीय है। पर राजनीति अपनी अपनी है, वो अपनी करते हैं, मैं मेरी करता हूँ। हम कोई गाली गलौज थोड़े रहना, कोई कटाक्ष की बात करता है, वो अपनी राजनीति करे, मैं मेरी कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, किसी को भी टिकट मिलती है उसकी पूरी मन से जी जान से मदद करने, मेरी मदद से भी ज़्यादा मदद करूँगा। इनेलो का गढ़ है इलाहाबाद, क्या पाएगी भाजपा? देखिए, भाजपा जीतेगी, मैं आएगी नहीं आएगी दूर की बात, जीतेगी, चुनाव जीतेंगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, गुडविल होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के काम पे भरोसा है और हमारे दोनों के चेहरे पे भरोसा है, इस करके लोग हमें साथ दे रहे हैं। क्या लोगों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है, क्या लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप तीनों जगह गांव में देख रहे हैं? अगर कहीं कमी है तो अगले गांव में देख लेना, खूब लोग जज के साथ दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज से भी समझ रहा हूं कि वोट देंगे। अजय सिंह जी ने कहा कि नेलो पहले एक पर खड़ी थी, अब शून्य हो गई है, आप क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बिजनौर में राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और एक अन्य नेता नुमाइश ग्राउंड पर लगी किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माला चढ़ाई और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे।
राष्ट्रीय जनलोक पार्टी की मांग है कि यूपी के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो बेरोजगार युवकों को, जिसमें इंटर पास को 5,000, ग्रेजुएट को 10,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 15,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। सरकार ने अगर हमारी मांग नहीं मानी तो राष्ट्रीय जनलोक पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को बाध्य हो जाएंगे। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं ललित चौहान जी और जो प्रभारी हैं रोचक चौहान जी और जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में आज बेरोजगारी को लेकर एक ज्ञापन दिया गया और हमारी मांग ये है कि या तो रोजगार दिया जाए। अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो तब तक 35 साल की उम्र तक इंटरमीडिएट बच्चे को 5,000, ग्रेजुएट को 10,000 और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का कानून बनाया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, युवाओं के साथ जो है इंसाफ नहीं करती है, तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी और तब तक इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेगी जब तक बेरोजगारी भत्ते का कानून। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए वीवीएम न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।